मेरे चैनल मिस पूजा कुकिंग में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मावा कचौरी। ये राजस्थान और जोधपुर की एक फेमस कचौरियों में से है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ये मीठी ही होती है टेस्ट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन, उसे प्रेस करें। बेल आएगी उसको प्रेस करें। बेल को प्रेस करने से आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज इसके लिए मुझे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, केसर ऑप्शनल है, इलायची पाउडर 1/4 कप, घी 1 कप, चीनी 250 ग्राम, मावा 2 कप, मैदा 1 कप, पानी और 1/2 कप पाउडर शुगर। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें हमारा 250 ग्राम मावा डालेंगे। हम पाव भर मावा है, इसको हमें 5 मिनट के लिए पकाना है थोड़ा ब्राउन होने तक। इससे जो हमारी कचौरियों में है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब तक हमारा मावा ब्राउन हो रहा है हम हमारे काजू और बादाम की कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड कटिंग भी ले सकते हैं। ये हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब देखिए 5 मिनट बाद हमारा मावा जो है अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हम एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे, इसके अंदर 1/4 कप हम घी डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत अच्छी और खस्ता बनेंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। गुनगुना पानी से आपको उसका आटा लगाना है। ये देखिए हमारा डो तैयार है। मावा जो है एकदम ठंडा हो चुका है, इसमें हम पाउडर शुगर मिलाएंगे 1/2 कप। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम हमारी कटी हुई कटिंग्स रखेंगे, थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, थोड़े से हम इसके अंदर पिस्ता डालेंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा आप कटिंग्स को सेपरेट रखिएगा। चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी लेंगे, उसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़े से 4-5 केसर के थ्रेड डालेंगे, केसर एकदम ऑप्शनल है। ये घी को मैंने गर्म किया है। जब तक हमारा घी हो रहा है हम हमारी कचौरियाँ रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने डो से छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अच्छे से एक गोल पेड़ा बनाएंगे, उसको अच्छे से राउंड घुमाते हुए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम वैसे ही करना है। इसके अंदर हम हमारी जो फिलिंग है मावे की वो डालेंगे। स्टफिंग ज़्यादा भी नहीं भरे, अदरवाइज आपकी जो कचौरियाँ हैं वो फट सकती हैं और वो अच्छी नहीं बनेंगी। आप इसकी अच्छे से बाइंडिंग करिएगा, क्योंकि आपकी कचौरियाँ फटनी नहीं चाहिए। अगर फटेंगी तो आपकी फिलिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। इसे अच्छे से हथेली से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए एकदम चपटा बना लीजिएगा। मावा कचौरी जो है हमारी ज़्यादा फूलती नहीं है, और मेरी जो प्याज जो हमारी दाल की कचौरी होती है उसकी तरह। घी को हम चेक करेंगे, देखिए घी जो है मीडियम फ्लेम पे ही रखना है आपको, ज़्यादा फ्लेम हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। चाशनी को हम चेक करते हैं, थोड़ी सी चाशनी को एक प्लेट में निकालने के बाद हल्का सा ठंडा करके आप हाथों के बीच में लेते हुए देखिए 1 तार दिख रहा है आपको। 1 तार अगर आपको दे, देखिए 1 तार मतलब हमारी चाशनी बनके रेडी है। हमारी जो कचौरियाँ एक साइड से सिक गई उनको मैंने पलट लिया और ये देखिए पूरी तरह रेडी हैं। इनमें अच्छे से एक चाकू से छेद करके इसके अंदर मैं चाशनी डालूंगी। फिर एक प्लेट में निकाल के इसके अंदर में हमने फिलिंग डाली है, ऊपर से हम इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। आप भी चाहें अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप डेकोरेट करना चाहते हैं करें। और ये देखिए हमारी टेस्टी मावा की कचौरियाँ बनके रेडी हैं। आप भी अपनी फैमिली को बना के खिलाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे कभी भी किसी भी ओकेशन पे, किसी भी फेस्टिवल पे बना के खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहते हैं ज़रूर बताइएगा।